आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल से चौथा चैप्टर है कृषि एग्रीकल्चर। कृषि क्या है, इसमें किस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है और कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है मनुष्य की। यह कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। यह मानव सभ्यता के विकास से ही प्रारंभ हुई और आज तक चलती चली आ रही है और भारत का मुख्य व्यवसाय भी माना जाता है कृषि, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश माना गया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषिगत कार्यों में क्या है, लगी हुई है। कृषि से हमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, ऐसे अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए हमें कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। देखिए कृषि एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। कृषि एग्रीकल्चर शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है, जो 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 दो शब्दों से मिलकर के बना है, एग्री और कल्चर। एग्री का तात्पर्य होता है खेत और कल्चर का तात्पर्य होता है खेती। अर्थात इस प्रकार हम कृषि का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, भूमि पर खेती करना, यानी एग्रीकल्चर का या कृषि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूमि पर खेती करना, जिसके माध्यम से, देखिए कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाकलापों से है जिसके माध्यम से मानव अपने उद्यम के आधार पर, अपने व्यवसाय के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार के फसलों का उत्पादन करता है। अब कृषि के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं आती हैं, पहली क्रिया है प्राथमिक क्रिया और दूसरी क्रिया क्या है, गौण क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत भूमि पर किए गए कृषि उत्पादन को शामिल किया जाता है। भूमि पर किए गए जितने भी कृषि उत्पादन हैं उन सभी उत्पादनों को हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत लाते हैं, और दूसरा है गौण क्रिया। गौण क्रिया, इन क्रियाओं के अंतर्गत कृषि से उत्पादन से संबंधित सहयोगी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे तकनीकी, उर्वरक, भूमि आदि। इस किस में आते हैं, गौण क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यह था कृषि और कृषि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब दूसरा है भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता है अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह का साधन, यानी भारत के अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह का साधन है कृषि। जैसे देखिए भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि द्वारा जीविका प्राप्त करती है, यानी भारत का जो जनसंख्या है उसमें से 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है। परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित उद्योग, कृषि पदार्थों के परिवहन एवं व्यापार द्वारा भी बहुत सारे लोगों की जीविका निर्वहन होती है। कहने का तात्पर्य है कि खेती के कार्यों से लेकर के उसके आयात निर्यात तथा बाजार तक में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जैसे देखिए इस प्रकार कृषि देशवासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन माना जाता है। दूसरा है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, यानी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता दी जाती है, यानी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की क्या की जाती है, प्रमुखता दी जाती है। कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न की प्रधानता रहती है। कुल कृषिगत भूमि के, जितने भूमि पर खेती की जाती है उन कुल भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जो खाने योग्य हैं वे फसलें उगाई जाती हैं, एवं 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, यानी गेहूँ, चावल, चना, मक्का, बाजरा, ये खाद्यान्न फसलें हैं। ये बाकी जो हैं व्यापारिक फसलें हैं, हाँ कपास वगैरह व्यापारिक, गन्ना क्या है व्यापारिक फसलें हैं, 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा है कृषिगत भूमि का प्रतिशत अधिक, यानी भारत में कृषि योग्य भूमि का क्या है, प्रतिशत अधिक है। जैसे देश के लगभग 50% क्षेत्रफल पर कृषि संपन्न होती है, यानी 50% भूमि पर खेती होती है, यानी कृषिगत भारत की कुल भूमि के
किसके भारत के जितने भी क्षेत्रफल है भूमि पर खेती की जाती है, यानी इसलिए कृषिगत भूमि का प्रतिशत अधिक होने के नाते यह भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं में शामिल किया गया है। तीसरा है बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि का मतलब क्या, बहुत सारे फसलों का उत्पादन करना ही क्या कहलाती है, बहुफसली कृषि। जैसे देखिए अधिकांश देशों में एक वर्ष में दो फसलें ली जाती हैं, एक वर्ष में दो फसलें ली जाती हैं, रबी और खरीफ की फसलें। लेकिन इनके अलावा भी एक फसल और ली जाती है जो कहलाती है जायद की फसल। जायद, जैसे देखिए कहीं कहीं वर्ष में तीन फसलें जायद की फसल भी प्राप्त की जाती है। रबी के फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि आते हैं और खरीफ फसल के अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, मूंगफली आदि फसलें आती हैं। इन दोनों फसलों के बीच में जो समय बचता है वह समय है अप्रैल मई से जून तक की, अप्रैल से जून तक की। उस समय के अंतराल में जायद की फसल ली जाती है जिसमें फल और सब्जियां आती हैं। फसलों का यह विभाजन उनके बोने और रोपने के समय से संबंधित होता है। अगला चैप्टर, अब बाकी जो है हम लोग भारत के कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण का अध्ययन हम लोकल बाद वाले पीरियड में करेंगे।